हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव विद अस मिस्टर राहुल गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 20 इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2016। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ही हैज सिक्योर्ड दिस रैंक विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो वी कैन इंटरेक्ट एंड आई थिंक इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंजीनियर्स टू नो कि हाउ ही प्रिपेयर्ड और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में किन किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया। बिकॉज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट, सिलेबस इज क्वाइट वाइड एंड दिस प्रिपरेशन रिक्वायर्स मोर टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम राहुल कि राहुल, आपने जो ये प्रिपरेशन की, इस पे प्रिपरेशन में आपने कैसे स्टार्टिंग की और आपका जो बैकग्राउंड है, बीटेक कहाँ से किया, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताएं तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है सर। मेरा नाम राहुल गुप्ता है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। और मैंने अपनी बीटेक जो है IIT रोपड़ से करी है और मेरी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही रही थी, इसलिए मैंने अपना ऑप्शनल भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही चूज़ किया था। राहुल, आपके जो 2016 के मार्क्स हैं, तो इसमें जनरल स्टडीज़ में और इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में और इंटरव्यू में क्या कैसे मार्क्स थे? देखिए, जनरल स्टडीज़ में मेरे लगभग 440 के आसपास मार्क्स हैं। उसके अलावा मेरे ऑप्शनल में अगर देखा जाए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, उसमें मेरे अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास मार्क्स हैं एंड इंटरव्यू में मेरे 187 मार्क्स हैं। तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, तो नहीं लेना चाहिए या टफ है, तो ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? मोस्टली आई थिंक कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचते हैं कि सिलेबस काफ़ी वाइड होता है, थोड़ा लॉन्ग सिलेबस है। सेकेंडली सर, ये होता है कि रीडिंग मटेरियल भी काफ़ी चीज़ों में नहीं होता। सॉल्विंग क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर्स, वो कभी कभार सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में कभी नहीं मिलते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं तो उनकी प्रिपरेशन सही दिशा में जा रही है कि नहीं। डेफिनेटली दे वुड लाइक टू टेस्ट देयर परफॉर्मेंस थ्रू द टेस्ट, और इस तरह के कोई टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी। देन आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पर कहीं ना कहीं MEDIGI और नेक्स्ट IAS विल गिव दी असिस्टेंस टू दी स्टूडेंट्स की प्रीवियस ईयर के सॉल्ट पेपर भी मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और आने वाले टाइम में क्लासेस भी मिल जाएगी। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे जानना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना सिलेबस है और इलेक्ट्रिकल का कितना सिलेबस है, और इन दोनों स्टूडेंट्स इन दोनों ब्रांच के लेते हैं या खाली इलेक्ट्रिकल वाले ही ऑप्ट करते हैं? नहीं, देखिए, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो इलेक्ट्रिकल पावर में रहते हुए भी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेते हैं, बट आई बिलीव कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी प्रोपोर्शन रहता है, जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और दोनों कम्युनिकेशन के, तो उसका भी काफ़ी महत्व रहता है। लेकिन हाँ, पावर का भी काफ़ी वो रहता है प्रोपोर्शनेटली। अच्छा, तो दोनों तरीके के लेते हैं, मैंने देखा है। हाँ, गुड। और कितने साल के पुराने पेपर्स स्टूडेंट्स को कर लेना चाहिए प्रीवियस ईयर? देखिए, ये तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने साल के पुराने हो सकते हैं। आई थिंक 79 से लेकर शायद मार्केट में अवेलेबल है। ओके, बट स्टिल 10 साल पहले तक भी अगर कर ले जाए तो काफी रहता है, रीजनेबली गुड। अगर 2005 से 2015-16 तक के कर ले, और अगर ज्यादा भी हो तो IES के कर ले पुराने इंजीनियरिंग सर्विस। हाँ, गुड। और कोई इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहें इलेक्ट्रिकल के लिए, कोई स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट बुक्स के लिए? तो सर, मैंने जैसे एक ब्लॉग है, पुराने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं प्रकाश राजपुरोहित जी, उनका ब्लॉग रेफर किया था, उस पर काफी पूरी बुक लिस्ट है लगभग। अच्छा, तो उससे सब जने रेफर कर सकते हैं। तो आप राहुल जी के ब्लॉग को रेफर करके और जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं, और स्टूडेंट्स जो आगे चल के सिविल सर्विसेज अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल को लेकर के आप बढ़ सकते हैं। इन्होंने प्रूव किया हुआ है, इनकी ऑल इंडिया रैंक 20 है, इटसेल्फ इज ए ग्रेट अचीवमेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से जब आप लिखते हैं सिविल सर्विसेज, तो बैकअप प्लान भी आपके साथ कहीं ना कहीं रहता है कि आप दूसरे जो इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो या और कोई स्टेट एग्जाम्स हो, तो वो भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक अलग बैकअप प्लान, अगर ऑप्शनल चेंज करके बच्चे जाते हैं तो उनके पास नहीं रहेगा। बिल्कुल, हाँ। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक UPSC मेंस में तो लिख ही सकते हैं, प्लस ये भी रहता है कि दो गवर्नमेंट के एग्जाम ही हैं खुद ही, एक तो आपका IESC हो गया,
एक गेट भी होता है जिससे आप पीएसयूज में जा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन इतनी हो जाती है। और आप अगर कभी भी इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेंगे तो मेरे हिसाब से कभी भी आप जॉबलेस नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बैकअप प्लान हमेशा बैकअप ही प्लान। रहेगा, तो आप कोई भी जॉब में वैसे भी जा सकते हैं आगे जाके। आपने एसए के लिए और जनरल स्टडीज के लिए क्या-क्या पढ़ा, कैसे तैयारी करी? देखिए, एसए और जनरल स्टडीज़ के लिए सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस मेरे को लगता है न्यूज़पेपर्स की होती है, तो मेरा सारा बेस ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स ही रहता था इसमें। हाँ, इस बार भी प्रीलिम्स 2017 का जो एग्जाम हुआ है तो करंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी थे, हाँ और मेंस में तो लास्ट ईयर करंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब हर सब्जेक्ट बिल्कुल। में कहीं ना कहीं करंट टॉपिक्स का इम्पोर्टेंस है। देखिए, हाँ, मेंस में थोड़ा शिफ्ट हुआ है और करंट अफेयर्स बेस्ड प्लस स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर थरली, आई थिंक आप ये दैट कैन दोनों बी कर सकते हैं। एडवांटेज, हाँ गुड। और क्या कोई मैगजीन आप सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, या देखिए, न्यूज़पेपर की किस न्यूज़पेपर को पढ़ें और किस मैगजीन को? अगर जीएस के लिए बात की जाए तो आई थिंक गवर्नमेंट मैगजीन्स आर द बेस्ट। तो गवर्नमेंट की कुछ मैगजीन्स आती है, फॉर एग्जांपल योजना आती है, देन देर इज़ अ कुरुक्षेत्र मैगजीन, तो इसमें काफ़ी नॉलेज मिल जाती है कि आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ में ऑथेंटिसिटी भी है क्योंकि ये हाँ, गवर्नमेंट ऑथेंटिक है पब्लिकेशंस तो है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन। दैट्स गुड राहुल। और कोई अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी कुछ शेयर करना चाहते हो, या स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज हो तो आप बता सकते हैं। मैसेज तो देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कोई भी और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो तो वो बिल्कुल लेना चाहिए। इस मामले में नहीं डरना चाहिए कि सिलेबस लेंदी है या फिर कोई रीडिंग मटेरियल नहीं होगा। आजकल रीडिंग मटेरियल बहुत अवेलेबल होता है, एंड कभी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कोई भी इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेके भी आप इस सक्सेस मतलब इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ऐसा इजी है इसको करना। थैंक यू। थैंक यू। और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा क्योंकि आपने जो 20th रैंक सिक्योर की है, और बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। क्योंकि वैसे तो हमने देखा है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में से 45% के आसपास इंजीनियर्स हैं, लेकिन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेने वाले कम ऑप्शनल नहीं स्टूडेंट्स है, थे। बिल्कुल। तो अब आने वाले समय में स्टूडेंट्स इनकरेज होंगे कि वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को लेकर के, क्योंकि अच्छी रैंक आ सकती है, अच्छे बिल्कुल मार्क्स हैं बिल्कुल। तो जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है 2016 में का जो रिजल्ट आया, सिविल इंजीनियरिंग में रैंक 32 में हाँ जी, 356 मार्क्स हैं, और वो पिछले 4 साल के हाईएस्ट हाईएस्ट मार्क्स हैं ऑप्शनल, ऑप्शनल में। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे मार्क्स हैं, मैकेनिकल में भी 345 हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। 300 300 297 296 आपके मार्क्स हैं। तो आई थिंक दीज आर दी गुड मार्क्स इन दी ऑप्शनल देखिए, सब्जेक्ट। मार्क्स तो हाँ बिल्कुल, इस बार इंजीनियरिंग के ऑप्शनल्स में काफ़ी सारे मार्क्स आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि इंटरेस्ट काफ़ी होना चाहिए इसके लिए। एक तो आप इंटरेस्ट एक रखिए थोड़ा बहुत, कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल उसे परस्यू कीजिए। मेरा जो और अपना एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेते हैं तो हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो स्पीड और एक्यूरेसी हम दोनों को मेंटेन कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। और एक खास बात इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में क्या है कि अगर आप सही करके आते हैं और अगर आपका आंसर सही है तो आपको बिल्कुल मार्क्स डेफिनेटली बिल्कुल। मिलेंगे। ये आई थिंक इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स की ब्यूटी है। द पॉइंट इज कि दे आर हाईली ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिविटी अगर आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिल मार्क्स सकते हैं। मिलेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ये आपका उस सब्जेक्टिव ऑप्शनल जैसे ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं उससे उस बेहतर चीज़ आती बेहतर है। है। ठीक है राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू।